मुसीबतें तो लाख आएंगी, लेकिन अगर आपने ठान लिया है कुछ करके दिखाना है तो सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन सफलता एक दिन जरूर मिलती है। और ऐसा ही कुछ हमको BSNL के साथ देखने को मिल रहा है। आप सभी को नमस्कार, मेरा नाम है अविनाश और आप देख रहे हैं मेरा ही YouTube चैनल मिस्टर अविनाश महोबिया। तो आज हम बात करने वाले हैं BSNL 4G लॉन्च से जुड़े कुछ अपडेट्स के बारे में। देखिए, सबसे पहले आप इस बात को समझिए कि BSNL 4G भारत में बहुत ही जल्दी आ रहा है और इसमें जितने भी कंपोनेंट्स, जितने भी टेक्नोलॉजी यूज होंगे वो सभी के सभी स्वदेशी टेक्नोलॉजी यानी कि हमारे ही देश में निर्मित टेक्नोलॉजी होंगे। अब आपको ये पता है कि 15 अगस्त 2022 का वो दिन होने वाला है जहां पे 4G लॉन्च होगा, लेकिन सवाल ये आता है कि क्या ये पूरे भारत में लॉन्च होगा? जी नहीं, देखिए ये पूरे भारत में लॉन्च नहीं होगा। ये सबसे पहले केरल राज्य के कुछ शहरों में, फिर पुणे में, और ऐसे होते हुए 2022 के अंत तक पूरे भारत के जितने बड़े और छोटे शहर है वहां पे, और 2023 के अंत तक ये पूरे भारत वर्ष में BSNL 4G लॉन्च करने का प्लान है। इसी के साथ इसमें आपको एक चीज और देखने को मिलेगा कि जो भी इक्विपमेंट यूज किए जा रहे हैं वो अपग्रेडेबल है, यानी कि 2023 तक आपको कुछ बड़े शहरों में भारत के वहां पे BSNL के 5G भी लॉन्च होने की जो है वो संभावना है। किसी तकनीक को अपने देश में ही निर्मित करना और उसको इस्तेमाल करना कोई मजाक की बात नहीं है। भारत हमारा बहुत बड़ा देश है, बहुत सारे गांव हैं और गांव-गांव तक 4G टेक्नोलॉजी BSNL के द्वारा पहुंचाना एक बहुत बड़ी बात होने वाली है, क्योंकि भारत सरकार अपने देश के नागरिकों की सुरक्षा को पहला स्थान देती है। भारत में जो यूजर्स हैं उनका डेटा बाहर कंट्री नहीं जाना चाहिए, इसीलिए BSNL का जो पार्टनरशिप है वो TCS के साथ हुआ, भारत की ही जो भी कंपनी है, इसीलिए भारत में ही चीजें जो है वो बन रही है ताकि जो भी चीजें, जो भी डाटा है वो भारत के अंदर रहे। दूसरा सबसे बड़ा कारण यह है आत्मनिर्भर भारत। चलिए बड़े पैमाने पर ही नहीं, लेकिन 15 अगस्त को अगर एक छोटे पैमाने पर ही BSNL का 4G लॉन्च हो जाता है तो आप खुद सोचकर देखिए दुनिया के लिए कितना बड़ा एग्जांपल सेट होगा आत्मनिर्भर भारत का। अब जो बाकी टेलीकॉम कंपनियां हैं वो क्या करती हैं कि जहां से जो कंपोनेंट उनको इजी पड़ता है या कम कॉस्ट में पड़ता है वो उस जगह से, मतलब विदेशों से वो उठा के ला लेती है, लेकिन भारत सरकार ये चीज नहीं कर रही है। इसी के साथ कुछ चीजें हैं, जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही कहा कि कुछ मुसीबतें तो आएंगी ही आएंगी जब इतना बड़ा काम आत्मनिर्भर वाला होने वाला है। कुछ कॉन्फ्लिक्ट निकल के आए BSNL और TCS के बीच में, जैसे कि TCS को जो अमाउंट मिला वो बहुत ही कम मिला है, 6000 सिटीज में अपग्रेड करना है BSNL 4G, और जो अमाउंट BSNL कंपनी के द्वारा दिया गया वो बहुत ही मिनिमम अमाउंट है, नेग्लिजिबल अमाउंट है, जिससे कि खुश नहीं है। इसी के साथ TCS को 30 जुलाई तक डेडलाइन मिला हुआ है। डेडलाइन किस चीज का? जितने भी टेक्निकल पैरामीटर्स उनको और बेहतर करने के लिए उनको डेडलाइन मिला हुआ है 30 जुलाई तक। इसी के साथ BSNL को अभी तक 4G स्पेक्ट्रम अलॉट नहीं हुआ है, ऐसा भी हमको देखने को आया। साथ में NB-IoT नैरो बैंड IoT, ये एक्चुअल में होता क्या है कि लो पावर में वाइड रेंज का एक टेक्नोलॉजी है, जिसके बारे में मैं आज वीडियो में बाद में आप सभी से चर्चा करूंगा, उसको लेकर भी BSNL के साथ थोड़ा सा इशू निकल के आया है। तो सारी चीजें बिल्कुल ठीक की जाएगी और उम्मीद करते हैं कि 15 अगस्त को बड़े ही नहीं छोटे पैमाने में जरूर से BSNL लॉन्च हो जाना चाहिए। आपका इस बारे में क्या कहना है और ये जो स्वदेशी टेक्निक का इस्तेमाल करके BSNL 4G लॉन्च होने वाला है इस पर आपका क्या कहना है? आत्मनिर्भर भारत के बारे में आपको क्या कहना है जरूर से मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब क्या कर रहे हैं कर लो सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो, और मैं मिल दूंगा आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।